तो गाइस खुश हो जाए अगर आप भी जो ये फॉर्म नहीं भर पाए हैं जो सीएम योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से टैबलेट और स्मार्टफोन यूपी के अंदर प्रोवाइड करे जा रहे हैं। अभी तक 60,000 स्मार्टफोन एंड टैबलेट वितरण भी कर दिए गए हैं। और गाइस एक ताजी ताजी न्यूज निकल कर आई है जो कि गवर्नमेंट ऑफ यूपी ट्विटर पर ट्वीट किया गया है, उनका ऑफिशियल पेज है गाइस, डीजी शक्ति पोर्टल जारी होगा स्मार्टफोन टैबलेट वितरण। तो गाइस खुश हो जाए अगर आपका भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आपको भी जो टैबलेट और स्मार्टफोन मिलेंगे, कैसे मिलेंगे वो इस वीडियो में आज मैं बताने वाला हूँ। और गाइस हमारे चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, जल्दी से अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी अपडेट आपको इस हमारे चैनल पर मिलने वाले है गाइस। तो जल्दी से बिना किसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने जो है अपने ट्विटर के ऑफिशियल पेज पर इसको ट्वीट किया है। चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ ट्वीट के बारे में और आपको जो है वो न्यूज भी मिल जाएगी जिससे आप काफी ज्यादा परेशान होंगे कि गाइस हम तो फॉर्म नहीं भर पाए हैं, क्या हमको लैपटॉप मिलेगा नहीं मिलेगा, सारे जो आपके डाउट है इससे क्लियर हो जाएंगे इस न्यूज के जो मैं आपको बताने वाला हूँ। साइड में आपको दिख भी चुकी होगी डिजिटल शक्ति पोर्टल के जारी हो गए स्मार्टफोन एंड टैबलेट, एक वेबसाइट लॉन्च करने वाले हैं गाइस यूपी ऑफ गवर्नमेंट डिजिटल शक्ति पोर्टल के नाम से, वहां से आपका डेटा में पिकअप करने वाले हैं। कैसे करेंगे वो आपको इसमें बताने वाला हूँ, आगे आप देखते रहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं को तकनीकी रूप से अपग्रेड करने के लिए जल्दी बड़ी सौगात देने वाले हैं। दिसंबर के दूसरे सप्ताह से निःशुल्क टैबलेट में वितरण शुरू हो जाएगा, लेकिन डिजिटल शक्ति नाम से पोर्टल बनाया गया है। देखा डिजिटल शक्ति नाम के एक वेबसाइट लॉन्च करने वाले हैं जो कि 25 तारीख को लॉन्च भी कर दिए उन्होंने। आगे आप देखिए इस स्मार्टफोन टैबलेट का वितरण भविष्य में विद्यार्थियों को शुल्क सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। विद्यार्थियों को मुफ्त स्मार्टफोन व टैबलेट देने के लिए कहीं भी पंजीकरण करने की जरूरत नहीं है गाइस। आपने देखा इस टैबलेट को वितरण करने के लिए आपको जो है कहीं भी पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है गाइस। आगे आपको बताता हूँ मैं थोड़ी न्यूज आपके आगे भी देखिए। इनका डेटा यूनिवर्सिटी के माध्यम से फीड किया जा रहा है गाइस। आपका जो डेटा है आप जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं वहां से आपका डेटा पिकअप कर रही है यूपी गवर्नमेंट। आगे आपको और बताता हूँ थोड़ा सा बढ़ के, सोमवार तक करीबन 27 लाख छात्रों का डेटा पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। इधर स्मार्टफोन आपूर्ति के लिए कई नई कंपनियों को टेंडर भी दिया गया है। जैसे आपका क्वेश्चन ये भी था गाइस कि हमको जो है ओनली सैमसंग के या सैमसंग के स्मार्टफोन इसमें मिलने वाला है, नहीं गाइस बहुत सारी कंपनियों को जो है टेंडर दिया गया है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको सैमसंग का ही टैबलेट मिले, दूसरे चरण में जब टैबलेट वितरण हो गए तो दूसरी कंपनी का भी आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये हमारा न्यूज नहीं थी, तो आई न्यूज ये थी अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं और आपका जो डेटा है यूपी गवर्नमेंट जो है यूनिवर्सिटी से पिकअप करने वाली है, मतलब यूनिवर्सिटी जो है आपका डेटा डीजी शक्ति पोर्टल के नाम से वेबसाइट बनाई गई है उस पर आपका डेटा अपलोड भी हो चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में गाइस हम कोशिश करेंगे कि आप अपने डेटा को कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारा डेटा हमारा नाम जो है लिस्ट में आया है नहीं, हमारा डेटा पिकअप हुआ है नहीं हुआ है, नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जैसे ही हमारी वीडियो आएगी आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगी, नोटिफिकेशन बेल आइकन को जल्दी से ऑन भी कर लेना है। और गाइस फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरी तरफ से गाइस आपको 24 आवर्स में मैसेज का रिप्लाई जरूर से मिल जाएगा। तो गाइस मिलते हैं आपको फिर किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।